अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों वेलकम टू तो ब्रहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग एम सी जी एम वर्चुअल क्लास रूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे वक्त बंद हैं लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है थमा नहीं है और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज बर रोज जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ और मैं हूं आपकी मौलमा शेख जरीन सभा तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों वेलकम टू जरीन सभा स्टूडियो आप तमाम का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत इस्तकबाल है और जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे तमाम वीडियोज़ इसी तरह से मिलते रहें इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो बच्चों आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक अदसे और उनके इस्तेमाल लेंसेज एंड देयर यूजेस स्टैंडर्ड टेंथ के लिए जमात दाहम के लिए मज़मून है साइंस वन और मैं हूं आपकी मौलमा जरीन सभा फ्रॉम एम सी जी एम वर्चुअल क्लास रूम मुंबई ये इस टॉपिक का पार्ट टू है पार्ट वन इसका हमारा यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है आप वहां से उसे देख सकते हैं पहले आप लोग पार्ट वन ज़रूर देखिए और फिर उसके बाद आप ये पार्ट टू देखिए स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करते हैं तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे कि कुर्रवी आइने या सेफ्रिकल मिरर्स किसे कहते हैं और पिछली जमात में स्टैंडर्ड नाइन्थ में आप जो है काफ़ी डिटेल में कुरी आइनों के बारे में मालूम हासिल कर चुके हैं कि मुकर आइने और महदब आइने कौनकिव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से तैयार किए जाते हैं ये आपने पिछली जमात में पढ़ा है तो क्या होता है इस तरह के मिरर्स में कि एक कुरवी आईने का एक हिस्सा या एक टुकड़ा लिया जाता है और अगर उसकी अंदरूनी सतह जो है अगर रिफ़्लेक्टिव सरफेस हो और बाहर की सतह पर पारे की तह चढ़ा दी जाए तो वो आईना बन जाएगा अंदरूनी सतह जो है उसकी आईना होगी बाहर की सतह पर हार्ड सरफेस जो होगा पारे की तह लगी होगी तो इसका मतलब है कि वो कॉन्क मिरर बन गया और अगर उसी वही कुर्रवी आईने का एक टुकड़ा अगर हम जो ले जो हमने लिया है उसमें बाहर की सतह पर पारे की मुलम्मा कारी करने की बजाय अगर अंदरूनी सतह पर पारे की तह चढ़ाई जाए तो बाहर की जो सतह है उसकी जो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है वो उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाएगी और उसे फिर कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे ये हमने पिछली जमात में भी पढ़ा है और मैंने आपको पार्ट वन जो हमारा इस चैप्टर का है उसमें मैं बता चुकी हूँ फिर हमने ये देखे थे कि अदसा दो शफाफ सतहों से बना शफाव वास्ता होता है जिस अदस्य की दोनों सतह कुर्रवी और बाहर से उभरी हुई हो उसे महदब अदसा या दोहरा मुहद्दब अदसा कहते हैं नीचे आप देख सकते हैं और बिल्कुल वैसे ही दोहरा मुकर अदसा भी होता है उसके बाद हमने ये भी देखे थे कि महदब अदसा के ज़रिए हासिल होने वाले मुख्तलफ़ अक्स ठीक है छः तरह के अलग अलग अक्स जो है अलग अलग पोजीशन पर अगर हम किसी जिस्म को रखते हैं तो अक्स का मकाम अलग होगा अक्स की जसामत अलग होगी और अक्स की नौीयत किस तरह की होगी ये भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं तो आज हम इससे आगे देखेंगे आज हम देखने जा रहे हैं कि मुकर मुकरे के ज़रिए हासिल होने वाले अक्स कौन से हैं जिसम का मकाम देखें यहाँ पर बताया गया है कि जब जिसम लामहदूद फ़ासले पर हो अगर वो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हो एट इन्फिनिटी। वन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस एट इन्फिनिटी, तो अक्स का मकाम कहाँ होगा पहले नुक़ मास का F1 पर होगा अक्स की जसामत इंतहाई छोटी नुकत नुमा होगी नीचे वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं और अक्स की नौीयत होगी मजाजी और सीधा अब जिसम का मकाम लामहदूद फ़ासले और नूरी मरकज़ ओ के दरमियान अगर कहीं पर भी जिसम को रखते हैं और कौन वे लेंस डाइवोज ऑल रेज फॉलिंग ऑन इट ठीक है नीचे वाली तस्वीर में आप देखिए तो अक्स का मकाम होगा नूरी मरकज़ ओ और नुक़ः मास एफ वन के दर्मियान. अक्स की जसामत कैसे होगी छोटी होगी नीचे आप देख सकते हो ए बी जो है एक जिस्म है और उसका अक्स जो है आपको नज़र आ रहा है ओ और एफ़ वन के दरमियान में पिंक कलर के तीर के निशान में बताया गया है और वो ए के जिसम जो है उससे छोटा है यानी अक्स की जिसामत छोटी होती है लेकिन अक्स जो है सीधा होता है ये मुकरत से के जरिए हासिल होने वाला अक्स है अब देखते हैं मुरवज अलामतें यानी साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन की डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है अकॉर्डिंग टू इट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर और distances are measured from the pole of the mirror. Distances measured in the direction of the incident ray are positive and the distances measured in the direction opposite to that of the incident rays are negative. अधिस्यस्म को हमेशा अध्यसे के बाएं जाने रखा जाता है, left में रखा जाता है। ठीक है, ये कुछ अध्यसे के लिए अलामती निषाम है। और ये उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप कह सकते हो है कि किस तरह से मिरर के कौन सी तरफ हम जिसम रखेंगे किस तरह से रखेंगे वो इसमें बताया गया है तो इसको कार तेजी अलामती निज़ाम के तहत नूरी मरकज़ ओ को मबदा माना जाता है आगे हम इसकी तस्वीर देखेंगे महवर खास को इस सिलसिले में चौखट्टे का एक्स मेवर मान लिया जाता है और अलामती निज़ाम जेल में दिया हुआ है जिसम हमेशा जो है अदसे के बाए जानेब रखा जाता है महवर खास के मुतवाजी तमाम फासलों को नूरी मरकज से नापा जाता है नूरी मरकज़ के दाए जानब नापे गए सभी फ़ासले मजबत माने जाते हैं जबकि बाएँ जानब नापे गए फासले मनफी माने जाएंगे महवर खास के उमूदा ऊपर की जानब नापे गए फासले मजबत माने जाते हैं और महवर खास के उमूदा नीचे की जानब नापे गए फासिले मनफी माने जाते हैं मोहदब अदसे का तोल मास का मसबत जबकि मुकर अदसे काल मास का मनफी होता है ठीक है ये कुछ उसके रूल्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो साइन कॉन्वेंशन। साइन कॉन्वेंशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू फॉर मिरर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ एक्सेट्रा फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इट ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस ऑल डिस्टेंस इज आर मेजर्ड फ्राम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मेरर ठीक है नीचे आप देख सकते हो कहाँ पर रखा जाएगा डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट और यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डिस्टेंस टूअर्ड्स द लेफ्ट और हाइट अपवर्ड हाइट डाउनवर्ड ये उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के और इसे साइन कॉन्वेंशन कहते हैं अदसे के लिए अलामती निज़ाम देखें यहाँ पे बताया गया है कहाँ पर होगा जिसम महवर खास दिखाया गया है और मोहदब अदसा और मुकर अदसा दोनों आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की जानब फासला नीचे की जानब फासला बाएं जानब का फासला दाएं जानब का फासला ठीक है शाय वकू की सिमत आप देख सकते हैं अदसे का जब्ता लेंस फॉर्मूला आप देखते हैं क्या होता है जिसम का फ़ासला u, अक्स का फासला v और अदस्य का तूले का f, इनके बाहमी ताल्लुक़ को दिखाने वाली मसावत अदसे का जब्ता कहलाती है अदस्य का जबता जेल में दिया गया है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज़ इक्वल टू वन अपॉन एफ अदस्य की तमाम किस्म के लिए जिसम के अदसों से सबसे ही फ़ासलों के लिए जब्ता दुरुस्त है अलबत् सभी फ़ासिलों के लिए अलामतों का मुनासिब इस्तेमाल ज़रूरी है मुवजातें कौन सी जो हमने इससे पहले अभी देखे ना साइन ऑफ कन्वेंशन वो अलामतों का इस्तेमाल ज़रूरी है अब देखते हैं पावर ऑफ लेंस यानी अदसे की ताकत शाए बकू को फैलाने या समेटने की सलाहियत अदसे की ताकत या पी कहलाती है अदसे की ताकत अदसे के तले मास्का पर मुनसर होती है अदसे की ताकत उसके तुलए मास्का का ज़र भी माखूस होती है और इसकी इकाई डेपिटर या डी है वन डेपिटर इज़ इक्वल टू वन अपॉन वन एम या पी इज़ इक्वल टू यानी वही अदसे की ताकत पी इज़ इक्वल टू वन अपॉन एफ़ ब्रैकेट में एम अदसों का मिलाप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज अगर f1 और f2 टू तूले मास्का वाले दो अदसे एक दूसरे से मस करते हुए अगर रखे जाए यानी दो अदसों को अगर हम मिलाते हैं तो उनका मजमू तूले मास्का एफ़ जेल के मुताबिक नापा जाएगा वन अपॉन एफ़ इज़ इक्वल टू वन अपॉन एफ वन जमा वन अपॉन एफ टू बहुत आसान है दोनों को मिला के रख रहे हैं तो वन अपॉन एफ़ वन जमा वन अपॉन एफ़ टू कर देंगे तो हमें मजमू तूले मास का पता चल जाएगा अगर पी वन और पी टू ये दो अदसों की ताकत हो तो इनके मिलाप के नतीजे में बनने वाले अदसे की ताकत यानी दो अदसों को एक दूसरे से मस करते हुए रखा जाए तो उनके मिलाप के नतीजे में हासिल होने वाले अदसे की ताकत दोनों अदसों की मजमू ताकत के बराबर होती है पी इज़ इक्ल टू पी वन अपॉन पी टू अब बहुत अहम चीज़ है हम देखने जा रहे हैं इंसानी आँख और उसके अदसे की कर देगी आपको पता है हमारी जो आँखें हैं जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं इनमें भी लेंस है आर्टिफिशियल नहीं कुदरती लेंस अल्लाह ताला ने लगा के भेजी हुई है तो इंसानी आँख पर एक इंतहाई पतली शफाफ झिल्ली होती है जिसे करनिया कहते हैं ठीक है यह देखिए आपको यहाँ पर बताया गया कर तस्वीर में आप देख सकते हो नीचे और इसी करनी से रोशनी आंख में दाखिल होती है आंख में दाखिल होने वाली रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इहराफ शफाफ जो करनी होता है उसके जरिए होता है करनी के पीछे गहरे रंग का उजलाती पर्दा होता है उसे कज़िया या आयरिस कहते हैं तस्वीर में आप देख सकते हैं क़हिए का रंग मुख्तलिफ़ इंसानों में मुख्तलिफ होता है इसीलिए हम देखते हैं किसी की आँखें जो है वो ब्लैक कलर की है बीच की पुतली जो हम देखते हैं किसी की ब्राउन कलर की होती है किसी की बहुत कम लोगों की ग्रे कलर की हल्का ब्लू कलर या ग्रीन कलर की भी होती है और जानवरों में तो ये मुख्तलफ़ रंगों की पाई जाती है कसिए के वस्त में एक बारीक सा सुराख होता है जिसका कुत्र जो है बदलता रहता है उसे पुतली कहते हैं आँख की पुतली हमारी है ना छोटा सा एक बीच में दायरा नज़र आता है आँख में दाखिल होने वाली रोशनी की मकदार पर आँख की पुतली काबू रखती है अगर आँख में दाखिल होने वाली रोशनी ज़्यादा हो तब पुतली सुकड़ती है और अगर रोशनी नाकाफ़ी हो तब फैलती है देखिए हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती अंधेरे में तो हम आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं ना और जब अचानक से बहुत तेज़ रोशनी हमारी आंखों में आए तो हम खुद ब खुद आँखें या तो हमारी पुतली सुखड़ जाती है या हम आँखों को अपनी बंद कर लेते हैं गजिए के पीछे शफाफ झिल्लियों का एक उभार होता है आपकी की पुतली के बिल्कुल पीछे शफाफ दोहरा मोहद्दब जिसम बाय कॉन्वेक्स क्रिस्लाइन होता है जिसे हम अदसा कहते हैं अब ये है हमारी आँख में मौजूद अदसा या लेंस अदसा तूले मासका में मामूली कमी बेशी कर सकता है इस अदसे की वजह से परदेशिक बिया पर शय का हकीकी और उल्टा अक्स हासिल होता है परदेशिक बिया पीछे आपको नजर आ रहा है नीचे आप देख सकते हो उजलात खून की नालियाँ होती है बसरी असब होता है तस्वीर में देखिए बसरी नुक्ता खून की झिल्ली करनिया बैरूनी झिल्ली अदसा पुतली कजहिया और रेशेदार उजलात यहाँ बताए गए हैं पर्दे शिकबिया पर एक हसास झिल्ली यानी पर्दा होता है जिसमें रोशनी के लिए बेशुमार हसास खुलियात होते हैं ये खुलियात रोशनी का एहसास करने के बाद बर की इशारे पैदा करते हैं ये इशारे बसरी आसाब के जरिए हमारे दिमाग तक पहुँचाए जाते हैं दिमाग इन इशारों का तजिया करता है और इतला पर इस तरह अमल करता है कि शे हमें जूँ की तू नज़र आती है देखिए ये इमेज देखिए इसके सामने क्या है ऑब्जेक्ट है एक आइसक्रीम रखी हुई है लाइट उस पर पड़ रही है अच्छा किसी भी शय को देखने के लिए रोशनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइट पड़ेगी तो ही हमें उस शय का अक्स हमारी आंखों में बनेगा और हम उसे देख पाएंगे लाइट अगर मौजूद नहीं होगी अंधेरा हो अगर किसी कमरे में तो हम उस शय को नहीं देख सकते तो यहाँ पर लाइट पड़ रही है ऑब्जेक्ट वो नज़र आ रहा है इसका इशारा कहाँ पहुँचता है हमारे ऑप्टिक नर्व के ज़रिए यह पहुंचता है हमारी ब्रेन तक हमारे दिमाग तक ये इशारे पहुंचाए जाते हैं और फिर ब्रेन से हमें क्या मिलता है सिग्नल मिलता है यानी ब्रेन जो है हमारा दिमाग उन इशारों का तज्जिया करता है हमें इतला देता है हमें सिग्नल देता है और फिर हमें वो शय जू की तू नज़र आती है देखिए ये यहाँ पर रेटिना पर आप देख सकते हो यहाँ पीछे बताया गया है ऑप्टिव नर्व ऑप्टिक नर्व से पहुँच रहे सिग्नल हमारे दिमाग तक सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन रेटिना पर यहाँ पर क्या बन रहा है उसका अक्स बन रहा है और हमें वो शय नज़र आती है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक शख्स साइकिल चला रहा है हमें उसका अक्स नज़र आ रहा है और हमें वो शय नज़र आ रही है तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि लेंस रिफ्रैक्स लाइट ऑन टू द रेटिना और फिर वहाँ पर रेटिना पर क्या होता है उसका रिफ्लेक्शन बनता है जो सीधा और उल्टा होता है लामहदूद फासले पर मौजूद शय को देखते वक्त आग का अदसा चपटा हो जाता है और अदसे का तूले का बढ़ जाता है लाम महदूद फासले पर यानी बहुत दूर के फासले पर दूर अगर कोई शय मौजूद है जब हम उसे देख रहे हैं जो शक्ल अलीफ में बताया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड की आप शक्ल देख सकते हैं तो उस वक्त क्या होता है अदसा हमारा जो लेंस है हमारी आँखों में वो चपटा हो जाता है और हमें फिर वो शय नज़र आती है लेकिन जब हम करीब की शय को देखते हैं करीब की अशिया देखते वक्त आँख का अदसा फूल जाता है और उसका तूल मास का कम हो जाता है इसीलिए दोनों वक्त आंखों का परदा शिक्बिया पर शय का है, अक्स जो है हमें हासिल होता है देखिए इंसान जब कुर्रवि आईने से दो तरह के अलग अलग अदसे बना रहा है हम जानते हैं कि अगर अगर हमें कार के जो मिरर्स होते हैं वो अलग तरह के अदसे वहां लगाने होते हैं आँख का चश्मा होता है उसमें अलग तरह के हदसे लगाने होते हैं है दोनों तरह के अदसों में फर्क होता है फिर उसमें भी दोहरा मोहदेब सा और दोहरा मुकर सा होता है लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी आँख में सिर्फ एक अदसा लगाया है और वो हालात के मुताबिक कभी फूल रहा है कभी चपटा हो रहा है यानी कभी दोहरा अदसे का भी काम कर रहा है कभी सिंगल अदसे का भी का काम का कर रहा है कभी कॉन्कव मिरर का काम कर रहा है कभी कॉन्वेक्स मिरर का भी काम कर रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक छोटी सी आग का मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी तरह से बनाया हुआ है कि हम हर चीज़ को इतनी आसानी से देख सकते हैं तो ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है आपको जो बीनाई हासिल है कि आप चीज़ों को देख पा रहे हैं ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हमें हर वक्त इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए तो मैं क्या बता रही थी कि अदसा दूर की शय के वक्त अदसा चपटा होता है करीब की शय नज़र आने के वक्त आपका अदसा फूल जाता है एक सेहतमंद आंख के लिए कम से कम फासला जिस पर किसी शय को आंख पर बार डाले बगैर देखा जा सकता है उसे वाज बीनाई का कम से कम फासला कहते हैं एक सेहतमंद आंख के लिए यह फासला तकरीबन 25 सम है 25 सम ठीक है 25 सेंटीमीटर के फासले पर अगर कोई शय मौजूद है तो हम उससे कम से कम फासला हम उसे देख सकते हैं वाज तौर पर जब उससे करीब शय आ जाती है तो हम उसे सही तरह से देख नहीं पाते आँख से पच्चीस सम के फासले पर मौजूद नुक्ते को करीबी नुक्ता कहते हैं ठीक है नियर पॉइंट कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड की इमेज में आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी सेंटीमीटर और ये है आपका नियर पॉइंट लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न यानी एक साफ आपकी आँखों से आपको कोई शय नज़र आए उसके लिए 25 सम का फासला होना चाहिए सेहतमंद आँख के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फासला ये तो नियर पॉइंट था फिर एक होता है फार पॉइंट कि कितनी दूरी पर अगर कोई शय है तो वो हमें साफ़ नज़र आएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फासला जिस पर रखी शय को आँख पर जोर डाले बगैर हम वाज तौर पर देख सकते हैं उसे वाज बीनाई का ज़्यादा से ज़्यादा फासला कहते हैं फार पॉइंट कहते हैं और शय के इस मकाम को आख का बीद नुक़ँ कहते हैं और ये नुक़ँ लामहदूद फ़ासले पर हो सकता है देखिए अब दूर की चीज़ें इसके लिए डिस्टेंस नहीं बताया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर की चीज़ें देख सकते हैं ये डिपेंड करता है अगर कोई शख्स नौजवान है तो वो बहुत दूर तक की शय देख सकता है बूढ़े होने के बाद आंखें कमज़ोर हो जाती है और दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती धुंधला नज़र आता है तो इसलिए ये दूर का जो फासला है वो बताया नहीं गया है यहाँ पर लेकिन जो नज़दीक का फासला है उसको करीबी नुकता जो दूर का फासला होगा लास्ट पॉइंट वो होता है बई नुकता नियर पॉइंट और फार पॉइंट इसे कहते हैं इंग्लिश में तो यहाँ पर आप देख सकते हो फार पॉइंट और नियर पॉइंट ठीक है और रिफ्लेक्शन कहाँ बन रहा है रेटिना पे बनता है और लेंस जो है जिससे रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्शन रेटिना पर बनता है और हम वो शेयर देख पाते हैं अगर कुर्रे हमारा जो कुर्रे चश्मे है वो गोल शक्ल का होता है ठीक है ये जो पूरा आपकी आँख का अंदर का डायग्राम है वो कैसा है वो पूरा गोल है आप देख सकते हो और इसका कुत्र तकरीबन दो अशारिया चार सम होता है इंसानी आँख में अदसे का काम बहुत अहम है अदसे का मास का तब्दील करके आँख मुख्तलिफ फ़ासलों की अशिया से मवाफकत करती है सेहतमंद आँख के लिए आँख के उजला ढीले हों तब अदरसे का मास का जो है दो सम होता है ठीक है यानी आपका आंख का जो अदसा है जो लेंस है वो तूले मास का अपना तब्दील करती है और तब्दील करके हम मुख्तलि फासलों की अशिया देख सकते हैं एक सेहतमंद आंख ठीक है मैंने कहा ना कि जैसे आंखों में किसी का नुक्स हो सकता है उम्र के साथ साथ आंखों आंखें खराब भी हो सकती हैं तो एक जो हेल्दी आए है एक सेहतमंद इंसान की सेहतमंद आँख है उसके उजलात जो होते हैं आँख के वो ढीले होते हैं और उस वक्त उसका मास मास्का या उसका फोकल पॉइंट जो होता है वो दो सम होता है आँखों के अदसे का दूसरा मास मास्का आँख के अंदरूनी परद शिकबिया पर होता है ठीक है अब एक छोटा सा तजुर्बा है आपके लिए कि आप किताब को आँखों से काफ़ी दूर रखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए तो देखिए आप उसको पढ़ पाते हैं या नहीं अब किताब आँखों से बिल्कुल करीब आँख के पास लाकर पढ़ने की कोशिश कीजिए तो क्या आप पढ़ पाएंगे पहली वाली सिचुएशन जब हम बहुत दूर रखते हैं तो भी जो अल्फाज होते हैं वो रीडेबल नहीं होते अगर हम बहुत करीब रखते हैं तो भी हम उसको नहीं पढ़ पाते लेकिन अगर आप किताब को आँखों से सिर्फ 25 सम के फ़ासले पर रख के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप उसको पढ़ पाएंगे लेकिन एक जो स्टैंडर्ड फासला है वो ये है कि आप किताब को अपनी आँखों से दूर रखिए थोड़ा नीचे की तरफ पकड़ कर जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप वाज तौर पर किताब के हर सफ़े को आसानी से पढ़ सकते हैं तो यहाँ सवाल ये पूछा गया है कि किस हालत में किताब के अल्फाज वाज नज़र आते हैं जब बहुत दूर रखोगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे जब बहुत करीब रखोगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे कम से कम पच्चीस सम के फासले पर रखोगे तो पढ़ सकते हो उससे थोड़ा दूर ले जाकर भी पढ़ोगे तो भी पढ़ पाओगे तो अब देखते हैं आँखों के नुकाइस और उनका तदारुक डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस कुछ लोगों में आँख की ताकत मवाफिकत से कम हो जाने की वजह से चीज़ें जो है उन्हें वाजहे तौर पर नज़र नहीं आती ये जो हमने अभी छोटा सा एक्सपेरिमेंट करे करीब रखे फिर दूर रखे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दूरी पर रखने पर आप पढ़ पा रहे हैं लेकिन कोई और शख्स है आपका कोई और साथी है उतनी दूरी पर रखी हुई किताब वो नहीं पढ़ पा रहा अक्सर देखिए जब हम रास्ते से गुजरते हैं और रास्तों पर साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं है ना अलग अलग जगह पर एडवर्टीज़मेंट लगी हुई होती है साइन बोर्ड्स लगे होते हैं कभी आप उसे पढ़ लेते हैं आपके साथ अगर आपके अम्मी हैं दादी हैं तो वो उसे नहीं पढ़ पाते इसकी वजह क्या है कि कुछ लोगों की आँखें जो है वो वक्त के साथ कभी उनमें कुछ नुक़स आ जाते हैं कभी उम्र की वजह से भी होते हैं बुढ़ापे की वजह से होते हैं और कभी दूसरी और बहुत सारी वजूहत की वजह से होते हैं कभी पैदाइशी भी नुक्स होते हैं और चीज़ें जो है वाजह तौर पर नज़र नहीं आती तो आँख में इनहराफ के नुक्स के सबब नज़र धुंधली और गैर वाज हो जाती है आम तौर पर नज़र के तीन इनहराफ नुाइस होते हैं एक होता है करीब नजरी एक होता है बैद नजरी और एक होता है ज़ईफ़ नजरी तो ये तीनों क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वक्त हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है आपके कोई सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा और आगे भी आपको इसी तरह के तमाम वीडियोस मिलते रहें इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू तो गेट ऑल द नोटिफिकेशन अल्लाह हाफिज़ तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए तो अब आप लोगों से इन अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है अल्लाह हाफिज़